किस तरह का अंडरवेयर एक मेल को पहनना चाहिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं इससे रिलेटेड, वी शेप, थॉन्ग्स, ब्रीफ, किस तरह का अंडरवेयर एक मेल को पहनना चाहिए और क्या इससे फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वीडियो में बताऊंगी कि मेल्स किस तरह के अंडरवेयर को चूज करें, स्पेशली जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या रात को सोने के टाइम पे, क्या साइज होना चाहिए, डिटेल में बात करूंगी। मुझे पता है आप इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बात कर रही थी व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरवेयर अ मेल अ मैन शुड वेयर। सबसे पहले समझेंगे हमारे जो मेल प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी को समझेंगे। जो टेस्टीज होती हैं या जो हमारी दोनों बॉल्स हैं वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को बनाती हैं और वहीं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं कि आपके स्पर्म क्वांटिटी में क्या प्रॉब्लम है, वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि जो आपका सिमेन और स्पर्म है वो आपके टेस्टीज ही बना रही हैं या आपकी दोनों बॉल्स ही बना रही हैं। और ये शरीर से बाहर लटकी हुई इसलिए होती हैं ताकि उनको गर्म टेम्परेचर ना मिल सके। हमारी बॉडी का जो पोटेंशियल है वो गर्म है क्योंकि हम गर्म रहते हैं, ऐसे में हमारी टेस्टिस को थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट चाहिए, इसलिए वो बॉडी के बाहर बनाई हुई हैं, वो लटकी हुई रहती हैं ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से वो कूल डाउन रहें और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। ऐसे में वो जो मेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अंडरवेयर का नाम नहीं या शेप की बात ना करते हुए अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर्स को यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक योर शेप कि देखने में बहुत अच्छा लगे, बहुत अट्रैक्टिव लगे, या फिर जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँ तो मैं कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करूँ, ऐसे में अगर आप इन्हें रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान दे सकते हैं। लेकिन आप कभी कभी फॉर सम टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू वियर अ वी शेप ब्रीफ जो बहुत ज़्यादा आपके साइज से भी थोड़ा टाइट हो, क्योंकि आप सिर्फ सपोर्ट के लिए या दिखाने के लिए उसे वियर कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन वियर इट, लेकिन फॉर सम टाइम ओनली। अब बात करूँ कि जो लोग आर्मी में हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अपनी टेस्टीज को सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले के ज़माने में बहुत टाइट लंगोट पहने जाते थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेसलिंग कर रहे हैं या अखाड़े में काम कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो आपके टेस्टिकल्स बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाते हैं, वो सांस नहीं ले पाते, टेढ़े हो जाते हैं, दब जाते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन होना, वेरिकोसील होना, हाइड्रोसील होना, या जो लोग आते हैं मैम मुझे बहुत दर्द हो रहा है या मुझे इन्फेक्शन जैसा फील हो रहा है या रैशेज हो रहे हैं, वो इस वजह से हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पसीने वाला काम कर रहे हैं या फिर अगर मैं बात करूँ कि आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे में सपोर्टर्स पहनना, जो टेस्टीज के सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस समय आप ब्रीफ पहनते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दो साइज छोटा ब्रीफ पहनना है। ब्रीफ पहनिए नॉर्मल अपने साइज का, मतलब वी शेप अंडरवेयर पहनिए नॉर्मल अपने साइज का ताकि आपकी टेस्टीज को सपोर्ट मिल सके। तीसरा जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये कि बॉक्सर्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और उससे आपकी फर्टिलिटी बेटर रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अगर आप बॉक्सर्स पहन रहे हैं या ब्रीफ पहन रहे हैं जो कि नॉर्मल साइजेस के हैं, तो उसमें कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी रूटीन की एक्टिविटी में। हाँ, लेकिन अगर आप रात को रिलैक्स कर रहे हैं या सो रहे हैं, ऐसे में स्पेशली जो जिन्हें मतलब बैचलर्स हैं, अगर वो बिना अंडरवेयर के भी सोना चाहें या सिर्फ लूज पजामाज या शॉर्ट्स पहन के सोना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप पहनना चाहें तो रिलैक्स बॉक्सर्स को पहन सकते हैं। रिलैक्स बॉक्सर्स मतलब जैसे धारी वाले पजामों से लेकर अंडरवेयर से लेकर एवरीथिंग, मतलब बॉक्सेस शुड बी वेरी कूल। एक साइज बड़ा भी आप ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रात को स्पेशली सोते वक्त, लेकिन अगर आप उस समय आप टाइट अंडरवेयर पहन रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी टेस्टिस को प्रॉब्लम होगी। ये दोनों बहुत ही अलग तरीके से बने हुए हैं। वेयर योर बॉक्सेस आर फॉर
कूल ताकि ब्रीथेबल हो, आपकी टेस्टी सांस ले सके और उनका प्रोडक्शन और स्पर्म क्वालिटी भी बेटर हो सके. वे आर बॉक्स ब्रीफ्स जिनकी मैं बात करूँ, बहुत वी शेप अंडरवेयर्स एंड दे आर बेसिकली फॉर एक्सरसाइजेस, जिमिंग एंड ऑल. इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको एक ही अंडरवेयर को काफ़ी देर नहीं चलाना. जो लड़के हॉस्टल्स में रहते हैं या खुद कपड़े धोते हैं तो वो बार बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे हम लोग डेनिम्स अपनी रिपीट कर लेते हैं, ऐसा आपने नहीं करना है. क्योंकि वहां से जो भी स्वेट है, पसीना है, या फिर आप कभी और मास्टरबेट कर लेते हो, इन बहुत चीजों का ध्यान रखना है. आपने एक अंडरवेयर को बार बार रिपीट नहीं करना है. कोशिश करें रेगुलरली उसे वॉश करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 आवर्स के बाद उसे डेफिनेटली बदलें. और वो लोग जो मुझे बात करते हैं कि मैं कलर्ड या हरा रंग का या फिर फूल पत्ते बने हुए अंडरवेयर की जगह ब्लैक ही यूज करूं तो बेटर है, उसका कोई रिलेशन नहीं है. आपको जिस कलर का यूज करना है उस कलर का यूज कीजिए, लेकिन आप उसके ऊपर क्या पहन रहे हैं, इफ यू आर वेयरिंग सम लाइट कलर तो ऑब्वियसली अंदर वाला विजिबल होने वाला है. और अगर आप बहुत ज्यादा टाइट पहन रहे हो और उसके ऊपर आप बहुत ट्राउजर्स पहन रहे हैं तो वो बहुत बार दिखता है, आपकी शेप दिखती है, विच डजंट लुक गुड. तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा पेयर अप करके ही अपने कलर्स को या साइज को डेफिनेटली चूज करें. कभी भी किसी और से पूछ के कि यार तू कौन सा पहनता है, मैं वही वाला पहन लूँ, या हीरो हीरोइंस को देखकर इतनी जल्दी आप इन्फ्लुएंस ना होए. जहाँ सपोर्ट की जरूरत है वहाँ ब्रीफ्स पहने, जहाँ थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है वहाँ पे आपको बॉक्सर्स ही पहनने चाहिए. अब मैं बात करूँ जो रिपीट करते हैं या जिनको रैशेस हो जाते हैं, जॉक्स हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है नीचे, ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इंटीमेट वॉश का ध्यान रखें. अगर आप बहुत अच्छे से अपने पेनिस की क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, हेयर रिमूव्स नहीं कर रहे हैं, और आप रेगुलरली इस तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंटीमेट वॉश का ध्यान रखें. कि किसी भी तरह के अंडरवेयर का कोई भी पर्टिकुलर डिमार्केशन नहीं है कि ये ओहो इससे नुकसान हो गया और ओहो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल. एवरीबडी हैज़ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट बॉडी. बट एक ही चीज का ध्यान रखें कि अगर आप एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं, स्पेशली आप किसी ट्रेनिंग्स में हैं या आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ऐसे में अगर आप सपोर्टर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और एक अच्छा ब्रीफ नहीं पहन रहे हैं, लंगोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको नुकसान दे सकता है. चाहे आपकी टेस्टिस में पस भर सकती है, साइज छोटा हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो उसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. बेस्ट चॉइस ऑफ योर अंडरवेयर इज कम्प्लीटली योर्स टू कीप यू सेफ. इसका फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट से डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है. आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है. बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी. तब तक के लिए आपके पास कोई टॉपिक है उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. साथ साथ के लिए अगर आपको लगता है कि मैम मैं आपसे पर्सनली जुड़ना चाहता हूँ, तो www.drneehamehta.com पे अपनी कंसल्टेशन को बुक करें. और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है. और हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो दोनों को सब्सक्राइब करना नहीं भूले. ये चैनल आपके लिए बहुत सारी और वीडियोस लेकर आता रहेगा, तो इस पे बने रहें.